हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बंस। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या लगेंगे हमें। सबसे पहले हमने एक बाउल में लिया है मैदा, इस ऑल पर्पज़ फ्लावर भी कहते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक एज़ पर टेस्ट, थोड़ा सा शुगर डालेंगे क्योंकि इसमें हम ईस्ट डालने वाले हैं, और एक अंडा डालेंगे इसमें। और ईस्ट मेरे पास जो पाउडर वाला नहीं था, इसलिए मैंने वार्म मिल्क ली, उसमें एक चम्मच ईस्ट डाली हूँ। इसको अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद मैं इस और मिल्क इसमें ऐड करूँगी। और जो हमारा बैटर था, मतलब जो डो बनाने वाले थे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ। और जो ईस्ट और मिल्क था, ये भी उसमें ऐड करेंगे और अच्छे से डो को नीट करके ले लेंगे। डो नीट होने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट करने रख देंगे। तब तक हम अंदर का जो स्टफ़ है वो बना लेते हैं। तो मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, उसमें अनियन डालूंगी, अनियन को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और ये चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है वो इसमें डालेंगे। चिकन को हम अच्छे से पका लेंगे चिकन व्हाइट होने तक। अब हम इसमें ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डाली है, और ये फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम है। अब हम इसमें फाइनली चॉप्ड कैबेज भी डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सॉल्ट एज पर टेस्ट डालेंगे। फिर ये वाइट पेपर पाउडर है वो ऐड की हूँ मैंने, और ये मैजिक मसाला है वो भी ऐड की हूँ, रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड किया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस, रेड चिली सॉस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। तो हमारा जो अंदर का बैटर है वो रेडी है। अब हम हमारा डो चेक कर लेते हैं कैसा है। हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे डो के। डो नीट करने के बाद हम एक सरफेस पर रख के डो को थोड़ा चौड़ा कर लेंगे, हाथों से ही करेंगे, और जो हमारा बैटर है वो स्टफ उसमें भरेंगे अंदर, और डो को हम पूरा कवर कर लेंगे, और बाहर से उसका जो स्ट्रक्चर एकदम सॉफ्ट रखेंगे। ऐसे ही हम सारे बंस बना लेंगे। अब बंस हो बन के हो जाने के बाद हमने जो एग है उसको बंस के ऊपर लगाया है ताकि ये क्रैक ना हो, और इसके ऊपर हम सेसमे सीड्स लगाएंगे। आप ब्लैक वाले भी लगा सकते हो या वाइट वाले भी लगा सकते हो। मेरे पास वाइट वाले नहीं थे, ब्लैक थे, इसलिए मैंने ब्लैक लगाई। इस बंस को हम माइक्रोवेव करेंगे 15 मिनट के लिए। तो लीजिए, हमारे चिकन बंस रेडी है।